मैंने पूछना था तो ये जो एक लीफ लगाया था उसके बाद इसको किस तरह करके आपने ग्रास बनाया था तो वो कैसे करते हैं क्लिक मतलब तो क्लिक पे करने के तो वो लग नहीं रहे थे हम्म ब्रश से जी जो ग्रास वाला फील्ड बनाया था वो वाला ये मैंने ब्रश सिलेक्ट किया उसके बाद इसके अंदर एक ग्रास पड़ा हुआ है मैंने उसको सिलेक्ट किया और अगर मैं बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रास लग जाएगा इससे अच्छा है कि मैं जब इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर वाले यहाँ बॉर्डर पे ये दो बॉर्डर हमारे पास है यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा उसके बाद मैं ब्रैकेट की मदद से इसको बड़ा छोटा कर लेता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है उसके बाद ग्रास का जो कलर होता है वो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई दो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे मैं एक ये वाला कर लेता हूँ और बैकग्राउंड में जो है कोई और कर लेता हूँ जिससे फर्क हमें वाजिया नजर आए मैं ये वाला कर लेता हूँ ये दो कलर हो गया आप दो रख सकते हैं या सेम एक ही रख सकते हो उसके बाद जैसे आप माउस से सिंगल क्लिक करके इस तरह जब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये इस तरह लगते रहेंगे और दूसरी बात यहाँ पे आपने जिस लेयर पे काम कर रहे हो उस पे ये नहीं लगाना आपने न्यू लेयर लगा बना के लगाना था मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ न्यू लेयर बनाता हूं इसके ऊपर आपने लगाना है क्लिक करके जहां जहां से आप मूव करवाते जाओगे वहां वहां ये रैंडमली लगते जाएंगे ठीक है ए, ओके आज का हमारा है पेन टूल तो पेन टूल क्या काम करता है पेन टूल कोई भी चीज को या किसी चीज को ट्रेस करने के लिए ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है तो आप चाहो किसी चीज़ को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या आप चाहो इस पर कुछ लिख भी सकते हो जैसे मैंने ये बना दिया एक और मैं यहाँ से टैक्स लेता हूँ और इसके ऊपर टैक्स लिख देता हूँ तो इस तरह से आप जिस तरह भी पेन से वो लाइन लगाओगे आप इस तरह उसके ऊपर लिख सकते हो तो जैसे जैसे लिखते जाओगे जैसे जैसे फ्रंट पे लगाई थी वो उसी तरह उधर को मूव करता जाएगा तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पेन को किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो या किस तरह यूज करना चाहते हो ये टेक्स के लिए भी यूज होता है और किसी चीज को ट्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है पेन ज्यादातर लोग ये बहुत ज्यादा पेन यूज करते हैं तो इस पेन की जो है पाथ ये देखो यहाँ से आप इसका पाथ जो है कंट्रोल कर सकते हो और मैंने दो बना दिए मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं तो यहाँ पे एक तो आप इस तरह से ये चीज़ें लगा के और अगर आप इसको सिलेक्शन भी देना चाहो तो आप इसको बंद करोगे बंद करने के बाद राइट क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे इस पर मे का सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जीरो रख लो इसका जो है फैदर और ओके कर दो ये हमारी सिलेक्शन बन गई अब इस सिलेक्शन के अंदर आप चाहो तो कलर कर दो आप चाहो तो इसके जिस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो आप वो काम इसके अंदर कर सकते हो तो इसके अंदर और भी इसी के फर्दर टूल हैं जो इसको प्लस माइनस करेंगे जैसे कि सिंपल पेन से क्या हम करते हैं यहाँ पे सिंपल एक इस तरह से ये ड्रा कर सकते हैं उसके बाद इससे आगे वाला जो है इससे हम यहाँ पे देखना क्या करेंगे ये फ्री हैंड हमारा काम करेगा ये वाला जैसे हमारे पास यहाँ पे ऊपर थे ये वाले एक लेसो टूल और पॉलीगोन ये तीनों जैसे काम करते थे जैसे ये फ्री हैंड काम करता है ये स्ट्रेट काम करता है ये पिग्जल पे काम करता है इसी तरह ये दो जो हैं ये स्ट्रेट काम करता है ये फ्री हैंड काम करता है यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसके बाद है ये वाला एड तो ये ऐड क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि इस दर डोट लगाना है और डोट लगा के इसको आपने इस साइड को लेके आना है तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ में ले सकते हो तो और माइनस क्या काम करता है माइनस काम करता है कि आपके पास अगर कहीं पे जैसे मेरे पास यहाँ पे एक अजाफी यहाँ ये यह डोर लग गया तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ख़त्म कर दूँगा अगर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ये भी ख़त्म कर देगा इस तरह से ये ख़त्म करता है ये दो चीज़ें होगी ये ऐड करता है और ये उसको डिलीट करता है और कन्वर्ट में आप देख सकते हो कन्वर्ट में किसी भी चीज़ को उठा के आप इस तरह से फ्री हैंडली इधर उधर लेके जा सकते हो या फिर आप इसके जो ये हैंडल बने हुए हैं इन हैंडल से भी इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो तो ये थे हमारे ये वाले टूल उसके बाद अगर आपने इसको पाथ को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे पाथ वाले ऑप्शन में आओगे और इसको डिलीट कर दोगे ये डिलीट किया ये सारी पार्ट डिलीट होगी उसके बाद मैं फिर न्यू लेयर बना लेता हूँ और देख लेते हैं, हमारे पास ये है हम सिंपल लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ए बना हुआ आ जाएगा अगर आपके पास ना है आपने अपनी लेयर सेलेक्ट करनी है लेयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे विंडो में जाना है यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टूल है जो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेंगे तो वो आपकी आपके जरूरत के मुताबिक जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ेगी आप इसको ऐड करते जाओगे तो यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे करेक्टर इसका नाम करेक्टर है यहाँ पे हम देख लेते हैं सी से ये रहा तो इसको अगर आप चेक करोगे तो ये आ जाएगा अगर अनचेक करोगे तो ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे देख लेते हैं ये आ गया तो इसमें क्या है एक तो इसके अंदर सबसे पहले तो आपने जिस टेक्स्ट को चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना है सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हो ये राइटिंग चेंज होगी उसके बाद उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो वरना इसके साथ आप अगर लेके जाओगे तो ये एक आपका जो माउस है ये चेंज हो जाता है आप इसको क्लिक करके इधर उधर जब मूव करवाओगे साइड को लेफ्ट राइट right को तो ये बड़ा छोटा होगा और उससे आगे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें भी मैं कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें क्या है ये आपके जो दो लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो कम ज्यादा करता है और तीसरा हमारे पास ये इस पर अप्लाई नहीं होगा ये अप्लाई नहीं होगा इसका बाद में बताऊँगा और ये क्या करता है कि ये साइड को अगर आपने इसमें थोड़ा सा या जितना अपनी जरूरत के मुताबिक इसमें फ़ासला देना है एक वर्ड एक लफज से दूसरे लफज के दरमियान तो वो आप इस तरह दे सकते हो तो ये नज़दीक भी हो जाता है ये तब यूज़ होता है जब आप टैक्स का जो है टैक्स के लिहाज से अपना लोगो बना रहे होते हो या कोई बल्कि ये लोगो बनाने में ही ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं ये वाली प्रॉपर्टी उसके बाद हमारे पास ये है इसमें क्या है कि ये टैक्स को ऊपर की तरफ ख्या देता है यह ये आप यहाँ से भी कर सकते हो आप कंट्रोल टी करके भी उसको ऊपर को खाई सकते हो और उसके बाद एक ये है ये जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है पहला ए बड़ा उसके बाद दूसरा जो उसके ऊपर रखेंगे जैसे कि ये वाला अब मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो एस जो है उसकी पावर बन जाए तो मैं इसको चेंज करके देखता हूँ ये देखो ये नीचे आ गया और ये ऊपर भी ले जा सकता हूँ मैं तो इस तरह से आप इसको लोगो वगैरह बनाने में काम में ला सकते हो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कंट्रोल ए ले, कर लेता हूँ और उसके बाद है हमारा ये वाला ये फर्दर वो एक कंट्रोल टी वाला कर रहा है कंट्रोल टी करके भी आप ये दोनों काम जो है ये वाला और ये वाला कंट्रोल टी से कर सकते हो दूसरा आप इसका कलर चेंज कर सकते हो मैं यहाँ पे कलर ये देखो चेंज कर लेता हूँ और इन दो को कैसे यूज करना है कंट्रोल टी से मैं ये देखो मूव ये मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्लस टी क्लिक करता हूँ उसके बाद आप अगर इधर को खींचोगे तो ये वाला काम कर रहा है तो ये इसी तरह काम करता है ये देखो इस तरह आप साइड को खींचोगे अगर ऊपर नीचे को करोगे तो ये देखो ये ये वाला काम कर रहा है तो आप इधर से भी यूज़ कर सकते हो उधर से भी यूज़ कर सकते हो उसके बाद मैं जैसे इंटर करूँगा ये जितना मैंने इसको इसका साइज रखा होगा वहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा तो उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बाद अगर आपने दोबारा इस टैक्स को एडिट करना है तो आपने क्या करना है इसकी लेयर पे क्लिक करना है उसके बाद इस पे डबल क्लिक कर देना है तो ये फोटोशॉप पुराना है जिस वजह से ये क्लिक नहीं कर रहा वरना जो न्यू आ रहे हैं उसमें आप सिंपली इस इसपे डबल क्लिक करो तो वो एडिट के लिए कह ले कह देता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह सेलेक्ट करने के बाद एक हमारे पास ये बोल्ड वाला है हल्का सा बोल्ड कर देता है अटैलिक कर देता है उसके बाद सारे वर्ड को बड़ा कर देगा उसके बाद एक वर्ड को बड़ा कर देगा बल्कि सारे वर्ड को बड़ा कर देगा लेकिन फर्स्ट लेटर जो हमने बड़ा रखा होगा वो बड़ा नजर आएगा हमें उसके बाद ये ऊपर उसकी पावर है ये बेस है ये लाइन है नीचे वाली और उसके बाद ये सेंटर में जो कट लाइन होती है वो है तो ये जो वर्ड एक्सेल में जो आपके पास टेक्स्ट स्टाइल होते हैं वो सारे इसके अंदर हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप चाहो इसको यूज कर सकते हो तो दूसरा हमारे पास ये क्या काम करता है ये सिंपली वही चीज को नीचे को टाइप कर देता है इस तरह से तो आप इस टूल को इस तरह से यूज कर सकते हो और तीसरा हमारे पास ये वाला टूल जो है ये भी देख लेते हैं तो ये इसने क्या किया है कि ये उसको सिलेक्ट कर रहा है ये सिलेक्शन उसने बना दिया जो आपने किया है उसके बाद आप चाहो इसको जिस तरह से भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो मैं कैसे यूज़ करता हूँ इसको मैं इसके अंदर को ये कलर कर देता हूँ उसके लिए ओके ओके के बाद ये कलर हो गया तो आप इसको बहुत सारे मास्किंग में यूज कर सकते हो हर बहुत तरीके इसको यूज़ करने के बस आपको टूल अगर यूज़ करने का पता चल जाए कि ये क्या काम करता है वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करोगे तो ये जैसे ये इसने इस साइड को लिख दिया इसने नीचे को लिख देना जैसे ये पहले लिखा था मैंने ये देखो ये सिलेक्शन दे देगा इसको ये सिलेक्शन आ गई इसको आप अब कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ कंट्रोल अलर्ट जेड इस पर काम करता है उसके बाद है हमारे पास पाथ सिलेक्ट टूल पाथ सेलेक्ट टूल का काम क्या है इसमें क्या है कि इसमें अगर आप इसके साथ पाथ बना लेते हो एक इस तरह से तो ये मेरे ख्याल में उसको सेलेक्ट करना चाहिए ये देखो ये पाथ को जो है मूव करवाने के लिए अगर आपने गलत जगह पे बना लिए या हल्का सा ऊपर नीचे करना है तो ये इसकी पाथ की लेयर होती है और ये लेयर और चीज है पात और चीज है तो पाथ में जाके आप इसको मूव करवा सकते हो या सिंगल क्लिक करके भी आप उसको मूव करवा सकते हो तो दूसरा इसके अंदर जो है ये है डायरेक्ट सेलेक्ट के नाम से इसका नाम है डायरेक्ट सिलेक्ट टूल तो इसको इससे क्या होता है कि इससे आप उसके एक जो है डॉट को मूव करवा सकते हो इस तरह से किसी भी पाथ को लाजमी नहीं है कि वो पाथ आपने पेन से बनाई हो अगर किसी और चीज़ से भी आप पाथ बना सको तो उसको भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो मूव करवाने के लिए किसी शेप को अगर आपने ऐड किया है तो उसकी पाथ आपको बनी बनाई मिल जाती है उन चीजों को आप इस तरह से मूव करवा सकते हो बड़ा छोटा कर सकते हो पाथ को डिलीट करने के लिए पाथ को वैसे तो आप डिलीट नहीं कर सकते यहाँ पे किसी भी तरह देखो मैं साइड पे क्लिक कर दिया कंट्रोल डी कर रहा हूँ कुछ भी करूँ ये डिलीट नहीं होगा जब तक आप पाथ वाले पैनल में आके इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन क्लिक नहीं करते तो ये हमारे पास डिलीट हो गया उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है उसके बाद है ये है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल तो ये सिंपली आपको रेक्टेंगल की शेप में कोई कलर फिल करता है या कोई भी रेक्टेंगल बना के देता है जो आप अपने डिज़ाइनिंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो या वेबसाइट बनाने में बहुत ये इस्तेमाल होता है दूसरा हमारे पास रेक्टेंगल है उसके जो है क्या है कॉर्नर रोटेट हैं तो कॉर्नर गोल कैसे करने यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टीज खोल लेता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम मुझे भूल गया मैं इसका नाम यहाँ से चेक कर लेता हूँ तो ये क्या कर रहा है कि एक टाइम में एक ही फोटोशॉप का वर्जन ओपन कर रहा है वरना दूसरा फोटोशॉप न्यू वाला में ओपन करके उसमें इसके जो कॉर्नर है उनको रोटेट कर सकता था लेकिन अभी उसकी प्रॉपर्टीज़ properties... मतलब जिस तरह हम एक रेक्टेंगुलर को कर्व कर सकते होते हैं उनकी कॉर्नर कर्व हो जाते जी, हैं वो इसमें हो जाते हैं काम मतलब एडिटर में भी हो जाते हैं तो इसमें तो मुझे सही नहीं होता तो इसका मैं वो दूसरे फोटोशॉप में इसका पैनल ओपन है मुझे इसके पैनल का नाम भुला हुआ है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा दूसरे लेक्चर में तो बस इसका क्या काम है कि ये इसके जो कॉर्नर है बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और इससे नीचे वाले के जो हैं उसके गोल होते हैं आप जितने चाहो उसको गोल कर सकते हो तो नीचे वाला लिप्स है ये बिल्कुल गोल आपको एक इस तरह से लगा देगा एक बात और इसमें जो नई चीज़ बतानी है आपको अगर आप लगा रहे हो इस तरह से तो आप ये देखो इस तरह से सिंगल क्लिक करके लगाओगे तो ये इस साइड को बन बन रहा है इस साइड को बन रहा है नीचे को आ रहा है ओवल की शक्ल में लेकिन हमें चाहिए ये बिल्कुल गोल तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा शिफ्ट क्लिक करना है ये देखो जैसे मैं शिफ्ट भी क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल गोल हो रहा है तो सर्कल बिल्कुल जो सर्कल होता है वो बन रहा है तो आप क्या करोगे सर्कल बना जितना आपको चाहिए उसके बाद आप सबसे पहले क्लिक अपना छोड़ोगे माउस का उसके बाद आप जो है शिफ्ट छोड़ दोगे उसके बाद यहाँ से अगर कोई कलर आपने और लगाना है तो आप कलर सिलेक्ट कर तो दूसरा है तो साइज मतलब हाँ, है, है मुझे ये नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल चारों कॉर्नर बराबर चाहिए तो मैं जैसे शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल उसके चारों कॉर्नर बराबर हो रहे हैं हमारे पास के डिग्री पे हो गया जी उसके बाद ये नीचे हाइट और विर्थ छोटी सी पॉप रही है उसके अंदर वो बता रहा है कि इसकी हाइट भी सेम है और विर्थ भी सेम है तो जैसे मैं यहाँ पे पहले क्लिक छोड़ूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल इसके चारों कॉर्नर सेम साइज के बन जाएंगे उसके बाद हमारे पास पॉलीगोन है पॉलीगोन बहुत फेमस टूल है इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं इस के जो कॉर्नर आप चेंज कर सकते हो जैसे यहाँ पे मेरे पास इस टाइम आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच है तो आप चाहो इस पांच की जगह मैं दस लिख रहा हूँ और उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो ये देखो ये दस कॉर्नर इसके आ गए इसकी मदद से आप काफी सारी चीजें काफी सारे लोगो बना सकते हो यहाँ पे आप जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे आते जाएंगे जैसे मुझे मैं थ्री लिख रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ये शेप चाहिए तो ये बन के आ गई और उसके बाद हमारे तो पास दस से ज्यादा भी हो सकते हैं जी, उसके जितने दायरा जितने है बनता उसके कॉर्नर चाहिए तो एक है उसके बाद हमारे तो पास तो है लाइन लाइन में मैं क्या करता हूँ ये देखो ऊपर पे क्लिक करके नीचे को लेके आ रहा हूँ ये देखो मैं इस तरह लेके आ रहा हूँ तो ये मेरे पास बिल्कुल सीधी नीचे को नहीं लग रही मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे को लगे तो मैं जैसे शिफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी हमारे पास अगर मैं इधर को लेके जा रहा हूँ इधर लेके जाके जब सही ना लग रही है उसके बाद मैं शिफ्ट क्लिक करूंगा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी तो यहाँ पे फोर्टी फाइव के एंगल पे भी लग रही है और हमारे पास सीधी भी लग रही है तो जितनी मुझे चाहिए मैं क्या करता हूँ पहले क्लिक छोड़ूंगा फिर शिफ्ट छोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे पास बहुत छोटी सी लगी है मैं क्या करता हूँ इसकी यहाँ पे थ को है वन है मैं इसको टेन करके देखता हूँ ये थोड़ी सी बड़ी हो गई वरना मैं W पे जाके इसका जो ये मेरा कर्सर चेंज हो गया मैं क्लिक करके अगर इस साइड को लेके जाऊंगा तो ये बढ़ता है अगर इस साइड को लेके जाऊंगा कम हो रहा है तो ये लाइव प्रिव्यू नहीं दिखा रहा बाकी जो न्यू वर्जन है उसमें लाइव प्रिव्यू भी दिखाता है और अगर लाइव प्रिव्यू देखना है तो उसमें आपका जो है सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ूंगा ये उतनी मोटी लाइन लग जाएगी अब आपको जितनी जरूरत हो आप यहाँ से उसकी वैल्यू देख सकते हो और अपनी मर्जी से लगा सकते हो तो यहाँ पे इसके अंदर एक और भी कलर लग सकता है जो एक उसकी आउटलाइन होती है और सेंटर वाला कलर जैसे कि यहाँ पे लग चुका है तो हमारे पास लाइन भी होगी उसके बाद यहाँ पे कस्टम शेप है ये शेप आपको यहाँ पे थोड़ी सी मिलेंगी अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप फोटोशॉप की वेबसाइट जो मैंने बनाई है उधर से आप अनलिमिटेड जो है ये शेप ऐड कर सकते हो इसमें बने बनाए आपको लोगो मिल जाएंगे इसके अंदर ही सिंपल आप उस आपके पास जो शेप होंगी आपने उसके अंदर अपना नाम लिखना है और आपका एक प्रोफेशनल लोगो बन जाता है एक दो मिनट के अंदर ही तो यहाँ पे मेरे पास आल का ऑप्शन है मैं आल पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप बिल्टन जितनी शेब देता है उसने ये ऐड करके मुझे दिखा दी है बहुत कम है ये मेरे पास जो उस वेबसाइट पे इतनी सारी पड़ी हैं कि आपके फोटोशॉप की जितनी कैपेसिटी होती है शेप को अपने पास स्टोर करने की वो भी फुल हो जाती है इतनी ज्यादा उसमें आपको एक फाइल के अंदर आपको सारी हर तरह की शेप्स मिल जाएंगी तो उसको आपने लोड कैसे करना है डाउन कैसे करना है ऐड इस तरह करना है आपने उसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करके आपने जितने भी फिल्टर देखे होंगे उनके ना साइड पे यहाँ पे कॉर्नर पे गेयर का निशान लालमी बना हुआ जिसके भी गेयर का निशान बना हुआ है ये छोटा सा इसका मतलब है कि उसके अंदर आप चीजों को ऐड कर सकते हो उनको चेंज कर सकते हो ऐड कैसे करना है ऐड आपने यहाँ पे क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पे यहाँ आपके पास है लोड शेप लोड शेप पे क्लिक करना है ये आपका माई कंप्यूटर ओपन हो गया अब आपने जो भी है आपके आपने जो डाउनलोड की होगी आपने डाउनलोड के फोल्डर में जाके उसको सिलेक्ट करके लोड कर देना है वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करते हैं या तो उसी टाइम लोड हो जाएगा या कोई दस पंद्रह सेकंड लगाने के बाद लोड हो जाएगा और आपके यहाँ पे शेप सारी आ जाएंगी तो ये बाद में बताऊंगा क्योंकि सिस्टम इसके लिए थोड़ा सा सिस्टम हैंग होता है फिर जाके लोड होती हैं क्योंकि वो वेक्टर होती हैं ओरिजिनल फाइल होती हैं वो बेशक आप छोटी सी डिजाइन करो या बड़ी सारी डिजाइन करो वो आपके पास एच ही रहती हैं तो जैसा कि जैसे मैं यहाँ पे एक यह ये वाला उठा लेता हूँ यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ इनको आप बड़ा भी कर सकते हो यहाँ पे मैं गेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थंबनेल ये देखो लार्ज पे मैं क्लिक करूंगा ये बड़े हो गए हमारे पास तो इनको आप इस तरह भी कर सकते हो इनके नाम से भी आप जितने भी पीछे आपने इस तरह की चीजें देखी होंगी जो इस तरह नीचे को अप होती हैं या जिनके यहाँ गेयर बना हुआ है उनको आप इस तरह चेंज कर सकते हो ये रीसेट का बटन है रीसेट करूंगा तो जो बाय डिफॉल्ट पहले जितनी थी उतनी ही आ जाएंगी तो इनका साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो ओनली टेक्स कर सकते हो आपको अगर किसी का नाम याद है तो आप नाम पे क्लिक करके भी इनको यूज कर सकते हो उसके बाद स्मॉल थंबनेल है उसके बाद यहाँ पे लार्ज है उसके बाद लार्ज के बाद यहाँ पे फिर स्मॉल लिस्ट है यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में आ गया उसके बाद लार्ज लिस्ट है तो मुझे जो समझ आती है ये वाली समझ आती है तो मैं अपने पास ये ही यूज करूँगा तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं जैसे कि ये आप लोगों ने फोन के आइकॉन देखे होंगे ये पिन करने का ये मैसेज वाला ये आइकॉन आपने देखे होंगे ये सारे इसमें से ही यूज होते हैं तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ से लोगो बनाने के लिए ये देखो यहाँ पे तीन शेप दी हुई है सिंपल जो ए, एडुकेशन जो लोगो बनाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी या कह लो के किसी अकेडमी का जो लोगो होता है वो ज्यादातर इस शेप में होता है तो ये लोगो आपको दो तीन इसमें मिल जाएंगे अगर आप वहां से डाउनलोड करके लाओगे तो वहां पे आपको हर शेप मिल जाएगी आपने जो चाहिए तो मैं अगर यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो वो हाइट वेट पूछ रहा है मैं ओके कर देता हूँ तो ये इसने इतना छोटा सा मुझे बना के दे दिया अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये देखो कितना छोटा है तो हमारे पास यहाँ पे चालीस मिनट सॉरी यहाँ पे दस मिनट बाकी रह गए तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोबारा शेप पे क्लिक करता हूँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये देखो जितना मर्जी बड़ा बना लो मैं जैसे शिफ्ट पे क्लिक करूंगा तो इसका जो साइज है मेरे पास बिल्कुल जो ओरिजिनल साइज है वो आ जाएगा मैं शिफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ इसको बड़ा कर रहा हूँ मैं पहले क्लिक छोड़ रहा हूँ उसके बाद ये छोड़ रहा हूँ शिफ्ट तो ये हमारे पास हमारा लोगो आ गया लोगो का पैटर्न आ गया इसके अंदर आप अपना लोगो लगा सकते हो इसके अंदर नाम लिख सकते हो नीचे नाम लिख सकते हो आपका लोगो बन जाएगा तो इसमें बस यही बताने वाली चीज थी कि इसके अंदर बहुत सारी शेब्स हैं और आप ऐड भी कर सकते हो इसमें कलर वगैरह चेंज करने का बता देता हूँ आपने वही लेयर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसकी ये वाली कलर आ गया आप इसमें से जो कलर रखना चाहो उसके बाद इसकी आउटलाइन भी है स्ट्रोक जिसे कहते हैं वो भी आप रख सकते हो उस स्ट्रोक को बड़ा छोटा कर सकते हो यहाँ पे और इसकी लाइन को आप चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टी आप खास तौर पे देखिएगा हर टूल की प्रॉपर्टी उस पर मैटर करती है आपके काम को बेहतर बनाने के लिए तो इसके अंदर हमारे पास ये चीजें भी हैं गोल लगाने हैं या चोरस या बाय डिफॉल्ट जो है उसके बाद कॉर्नर उधर बता रहा है कॉर्नर किस तरह के होने चाहिए तो आप इनको चेंज कर सकते हो यहाँ पे तो ये हमारा हो गया और उसके बाद है हमारे पास हैंड टूल हैंड टूल में क्या है इसमें आप इस अपनी शीट को उठा के इधर उधर लेके जा सकते हो यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी लेयर को नहीं उठा सकते इसमें क्या करते हैं हम अपना पूरी जो वर्क एरिया उसको हिला सकते हैं देखो अब इस टाइम मैं हिला रहा हूँ नहीं हिलेगा क्योंकि जितना उसका साइज है हमारे फोटोशॉप का उसने उसके मुताबिक ये इतना इतना रख दिया है क्योंकि मैंने खुद उसे कहा था कि जितना मुझे सामने नजर आ रहा है उतना इसका साइज रख दो अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूं तो ये हमारे पास बड़ा होता जाता है अब ये हमारे वर्क एरिया जो है फोटोशॉप से बाहर जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडल भी बने हुए आगे जिससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो वरना आप इस हैंड टूल से पकड़ के इस तरह भी कर सकते हो और अगर ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है तो आप हाँ ये यहाँ पे जो आपके पास स्पेस है आप स्पेस पे क्लिक करोगे इसको उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ पे इस टाइम तो नहीं हो रहा जो न्यू फोटोशॉप है उसमें शायद शिफ्ट से हो जाता है शिफ्ट या अलर्ट से तो आप यहाँ से हैंड टूल से भी कर सकते हो आप हैंड टूल की जो है शॉर्टकट की याद रख लो एच है आप जल्दी से एच क्लिक करो इसको ऊपर नीचे करो और उसके बाद कंट्रोल जीरो करो एम पे मूव करो और एल से सिलेक्शन आ गई तो इस तरह से आप शॉर्ट की अगर याद रखोगे तो आपका काम भी जल्दी हो जाएगा अगर आपको किसी चीज की शॉर्ट की नहीं पता तो आप उसके ऊपर लेके जाओ उसके ऊपर उसकी शॉर्ट की आ जाती है सिंगल क्लिक करने पे आपके पास टूल चेंज होता रहता है उसके बाद आगे वाला रोटेट व्यू रोटेट व्यू ये इस टाइम हमारा जो पेज है वो रोटेट हो रहा है अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि मैं ऊपर को सीधी लाइन नहीं लगा सकता मैं नीचे को सीधी लाइन लगा सकता हूँ तो आप इस तरह करके आप नीचे को लाइन लगा सकते हो लेकिन जब ये हमारे पास फाइल सेव होगी तब जिस तरह हमने स्टार्ट की थी ये उसी तरह हमारे पास सेव सेव होगी या ओपन होगी तो मैं इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करता क्योंकि जो काम सामने जैसे नजर आ रहा है वैसे हो तो ही अच्छा है आप जैसे लाइन शिफ्ट की मदद से आप लाइन स्ट्रेट कर सकते हो और इसमें चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो इस टूल का ज़्यादातर कोई काम नहीं है इसमें उसके बाद है जूम वाला जूम आप यहाँ से भी कर सकते हो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं इससे कर रहा था कंट्रोल प्लस से मैं बड़ा कर रहा हूँ कंट्रोल माइनस से ज़ीरो का छोटा कर रहा हूँ और कंट्रोल जीरो से मैं फिट कर रहा हूँ तो आप वो काम यहाँ से भी कर सकते हो ये प्लस हो रहा है उसके बाद इधर आपको प्रॉपर्टी बार में माइनस भी मिल जाएगा ये माइनस हो रहा है तो छोटा भी कर सकते हो बड़ा भी कर सकते हो और मैं फिर ये बड़ा कर रहा हूँ वरना आप क्या करो आप ए की टूल सेलेक्ट कर लो प्लस वाला या माइनस वाला उसके बाद जैसे ही आप अलर्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो हमारा जो टूल है उस वो माइनस हो रहा है अब प्लस हो रहा है अब अगर मैं अलर्ट क्लिक करके करूंगा तो छोटा होगा अलर्ट क्लिक छोड़ के फिर सिंगल क्लिक करूंगा तो ये बड़ा हो रहा है और कंट्रोल जीरो करूंगा तो ये बिल्कुल हमारा जितनी स्पेस है एल की उसके मुताबिक जो है सेट हो जाएगा तो ये हो गए हमारे सारे आज के टूल तो नीचे क्या है हमारे पास कलर है अगर आपके कलर खराब हो जाए तो आप इधर छोटा सा कॉर्नर पे ब्लैक एंड वाइट देख सकते हो इस पर क्लिक करोगे तो ये कलर रीसेट हो जाते हैं ब्लैक हमेशा फ्रंट पे रहता है और वाइट हमेशा बैक पे रहता है अगर आपने ब्लैक वाइट को ऊपर नीचे करना है तो छोटा सा एरो आप इस पर क्लिक करो ये क्लिक करते ही ऊपर नीचे हमारा कलर आ जाएगा अगर आपने ऊपर वाला कलर चेंज करना है उस पर सिंगल क्लिक करो कलर सेलेक्ट करो ओके करो रेड हो गया अब मैं फिर बैक वाले पे क्लिक कर लेता हूँ और कोई और कलर लेके उसको जो चाहिए वो रख के मैं ओके कर देता हूँ वो कलर यहाँ पे आ जाता है तो इनको भी मैं ऊपर नीचे मूव करवा सकता हूँ दूसरा हमारे पास है ये वाला ऑप्शन है एडिट क्विक मास्क मोड तो ये क्या काम करता है ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया वैसे तो लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रहा है ना ही मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी है क्विक मास्क मास्क का ऑप्शन तो यहाँ पे है मेरे पास मैं लेयर सेलेक्ट करके कर लेता हूँ तो इसका कोई यूज नहीं है मेरे ख्याल में तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन साइज को बड़ा छोटा करने के लिए यहाँ पे हमारे पास तीन साइज हैं सबसे पहला जो स्टैंडर्ड साइड साइज है वो फोटोशॉप इंस्टॉल करते वक्त आपके पास स्टैंडर्ड यही साइज रह जाता है अगर आप इसको यूज करते हो फुल स्क्रीन मोड को तो ये क्या करता है कि आपके जो फालतू यहाँ पे एक लाइन आ रही थी बार वो ख़त्म कर रहा है और यहाँ पे कंट्रोल बॉक्स को भी उड़ा दिया उसने तो इस तरह की इसमें चेंजिंग आती है अगर आप करते हो ये वाला चीज़ यूज तो इसमें वो क्या करेगा मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ये देखो इसमें आपको ये फायदा होगा कि अगर आपको शॉर्ट कीज आती हैं आप शॉर्ट कीज से अपने टूल को चेंज करो और अपना काम करते रहो मैं यहाँ पे ब्रश सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसके अंदर कलर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट कीज का पता है इसलिए मुझे टूल का सामने होना या ना होना मेरे लिए एक बराबर है तो इसी तरह आप फुल स्क्रीन अगर यूज़ करना चाहते हो आप चाहते हो मेरे लैपटॉप की या कंप्यूटर की जो स्क्रीन छोटी है मैं चाहता हूँ जो ये टूल नज़र आ रहे हैं उनको ख़त्म करना चाहता हूँ तो आप इस तरह से ख़त्म कर सकते हो अगर आप इसको वापस लाना चाहते हो तो ये जो कॉर्नर पे स्केप का बटन है आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पहले जैसी हो जाएगी तो इन तीनों का यही काम है कि आप अपने जो वर्क स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो फोटोशॉप की लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हो बड़ा छोटा या जो भी तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्लीट हो चुका है हमारे टूल जितने भी थे इसमें तो मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर रहा हूँ तो अगर कोई समझ न आई हो तो बता दो और कल हम क्या बनाएं इसमें वो भी बता दो क्योंकि कल से हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे हमारे जो टूल्स थे वो यही थे आई थिंक हमें मोनोग्राम सबसे पहले क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है मार्केट में किस चीज के मोनोग्राम्स मतलब लोगो लोगो वगैरह ठीक है और दूसरा इधर लेयर्स में एक दो चीजें बताने वाली हैं अगर आपने कोई लेयर डिलीट करनी है तो इसको उठा के आप यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पे डस्टबिन जो बना होता है जो आपके रिसाइकल बिन भी होता है सिस्टम में उस पर ला के छोड़ोगे तो लेयर हमारी डिलीट हो जाएगी

फर्स्ट वाली सिलेक्ट करूं उसके बाद शिफ्ट क्लिक करके एंड वाली सिलेक्ट करूं और उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करूं ये सारी फोल्डर के अंदर बंद हो गई तो इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूं ये हमारे पास फोल्डर के अंदर आ गई मैं यहाँ से <coughs> मैं फर्स्ट क्लिक करता हूं और एंड वाली पे जाके क्लिक कर देता हूँ और इसको फोल्डर में बंद कर देता हूँ तो ये हमारे पास फोल्डर में बंद हो गई एक के अंदर इसको मैं बंद ऑन कंट्रोल सेलेक्टेड है और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल जी है ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ तो बंद हो रही है अगर आपने ऊपर तो वाली जब, जब भी हमने हमने सिलेक्शन करनी है तो डी से करनी है नहीं सिलेक्शन तो खत्म तो करने तो के लिए ये देखो मैंने एक लेयर सिलेक्ट की है मैं चाहता हूँ ये दूसरी लेयर सिलेक्ट ना करू तीसरी करूँ मैं सिलेक्शन करनी होती है उसके लिए सिलेक्शन टूल से वो तो करनी पड़ेगी आपको एक मिनट रह गया मीटिंग खत्म होने वाली है मैं लेयर्स का बता रहा हूँ